सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है उसमें जो है फिंगरप्रिंट सेंसर है और उसमें आप फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगाना चाहते हैं मोबाइल की तरह, जैसे कि हम एक्सेस करते हैं हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक, और उसी तरीके से आप अपने जो लैपटॉप में भी फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगाना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आईटी कंप्यूटर विज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लैपटॉप के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। नहीं है तो एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदनी पड़ेगी। तो अभी हम जानेंगे कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पर आप कैसे कन्फिगर कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो लैपटॉप है वो है एचपी का, तो उसमें हम फिंगरप्रिंट लैपटॉप लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो लैपटॉप दिखा देता हूँ। तो ये है वो लैपटॉप जिसके अंदर हम लगाने वाले हैं फिंगरप्रिंट लॉक। तो ये कुछ दिखने वाला कुछ इस टाइप का लैपटॉप है और इसमें हम फिंगरप्रिंट लॉक लगाने वाले हैं। तो फिंगरप्रिंट लॉक अगर आपने देखा नहीं हो तो कैसा होता है तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे आपके पास इसके अंदर फिंगरप्रिंट ऑप्शन होना चाहिए जैसा कि मोबाइल में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पास लाके। ये रहा फिंगरप्रिंट, आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये इस जगह है इसका फिंगरप्रिंट लॉक, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ फिंगरप्रिंट लॉक होता है। जब आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा देंगे हम और हमारी हम उंगली को कुछ इस तरीके से टच करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। इस तरीके से टच करते ही लॉक खुल जाता है, जिस तरीके से हम मोबाइल में लॉक एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट स्टार्ट करता हूँ और ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर कि कैसे हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसमें विंडोज़ 10 होना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिखेगा इस जगह, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का प्रोफाइल खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको जो अभी इस्तेमाल करने वाला ऑप्शन है फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, यहाँ पे आपको एक अकाउंट्स नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है फिंगरप्रिंट के और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके का एक आपको दिख जाएगा, जिसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जिस भी नाम का यूज़र नेम बना हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें हमारी यूज़र नेम दिख गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दिख जाएगा जो भी कन्फिगर है। उसके बाद आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको ऊपर एक विंडोज़ हेलो फेस कैम का ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे आप फेस कैम लगा सकते हैं। दूसरा आपको विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा जो हम आज इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सेटअप आपको हाइड दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहा है यू मस्ट ऐड पासवर्ड बिफोर यू कैन यूज़ साइन इन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पासवर्ड लगाना है, जब उसके बाद आप ये जो है फिंगरप्रिंट ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले आपको सबसे पहले न्यू पासवर्ड लगाना है, फिर आपको पासवर्ड कन्फर्म करना है, और आप पासवर्ड हिंट देना चाहते हैं तो वो आप पासवर्ड का हिंट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, पासवर्ड का हिंट देना है। अगर आप पासवर्ड हिंट में पूरा पासवर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पे वो लेगा नहीं, तो आपको सिर्फ हिंट देना है। तो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड डाल देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके पासवर्ड क्रिएट हो जाते हैं, आपको फिनिश कर देना है। अब आपको विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन में जाना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अब आप इसमें अपने फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं किस तरीके से। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे सेम जैसे हम फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं सेम टू सेम वैसे ही हमें ऐड करना है।
हमें क्या करना होगा, सेंसर के ऊपर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके ऊपर हमें बार बार हमारी उंगली टच करानी है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा लैपटॉप है और यहाँ पे हमारा सेंसर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हमें उंगली रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे अभी रखूँगा तो यहाँ पे वहाँ डिस्प्ले पे वो डिटेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट बार लगाया तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ हमारा फिंगरप्रिंट स्क्रीन के ऊपर, और हम जब तक ये लाइंस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती हमें हमारी उंगली डिफरेंट डिफरेंट एंगल से टच करानी है फिंगरप्रिंट सेंसर पे। तो चलिए फटाफट हम इसको कंप्लीट करते हैं। और तो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं हम और कुछ ही देर में हो गया है ये। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सेट पिन करना होगा, या अगर आप दूसरी उंगली भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सेकंड फिंगर उंगली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि आपने सेटअप तो कर लिया है लेकिन हमें वो पासवर्ड डालना है जो हमने उंगली ऐड कराने से पहले ऐड किया था। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे नया पिन क्रिएट करना होगा जो नंबर्स का होता है। आपको यहाँ पे नया पिन क्रिएट करके डालना होगा, अगर नहीं डालेंगे तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे नया पिन क्रिएट कर लेना है। जो भी अंकों में आप नंबर आपको याद है या आप रखते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि हम फ़ोन में पिन डाल के रखते हैं उसी तरीके से सिक्योरिटी के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पिन आपको डाल देना है, सेव कर लेना है। तो अब इस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे कि भैया प्रॉपरली फिंगरप्रिंट हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट को चेक करने के लिए हमारी डिवाइस को लॉग आउट करूँगा या साइन आउट करूँगा, फिर उसको लॉग इन करके देखूँगा। तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल डिलीट ऑप्शन दबा के कीबोर्ड की मदद से इसको लॉग आउट कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ चुका है, मैं ओके कर देता हूँ। अब हमारा जो लैपटॉप है वो प्रॉपरली लॉक हो चुका है। तो अब हम इस उंगली की मदद से जो हमने ऐड कराई थी फिंगरप्रिंट के अंदर वो हम टच करेंगे। तो देखिए मैंने टच करा और फटाक से हमारी जो लॉक है वो अनलॉक हो चुका है। तो एक बार फिर वापस हम ट्राई करेंगे इसी चीज़ को। वापस मैं कंट्रोल ऑल डिलीट करके मेरे डिवाइस को लॉक कर दूंगा। तो वापस से लॉक हो चुका है। अब वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे साइन इन ऑप्शन मांग रहा है, पासवर्ड, पिन और फिंगरप्रिंट। तो हम यहाँ फिंगरप्रिंट से टेस्ट कर रहे हैं, तो हम फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे ये फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करने नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप जैसे उंगली टच करेंगे पटाक से लॉक खुल जाएगा। फास्ट रिस्पॉन्स है फिंगरप्रिंट सेंसर का, इसका मज़ा आ जाता है, एक बार फिर करके देखेंगे। तो इस बार मैं आपको हम मेरी उंगली टच करके दिखाऊंगा और कैमरे के तरफ से भी आपको दिखाऊंगा कि सेंसर पे कैसे मैं टच कर रहा हूँ उंगली और कितना देर में ये सेंस कर रहा है। तो देखिए अभी मेरी स्क्रीन लॉक है पूरी तरीके से, और जैसे ही मैं उंगली टच करूँगा और लॉक खुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे उंगली टच करी और ये देखिए। तो देखा दोस्तों, बहुत इजी तरीके से आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक लगा सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यार दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।